लेकिन बच्चे की कंडीशन थोड़ी सीरियस थी और एम्स हॉस्पिटल में भी गए, जबकि वहां पे उन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट के लिए कह दिया था। ओम आरोग्य मस्तो, मैं डॉक्टर नरेश हिम्स दिल्ली एनसीआर से। हमारे साथ पेशेंट हैं बेबी परी, ये हमारे पास आए थे 13 तारीख को जिनका क्रिएटिनिन नेफ्रोटिक सिंड्रोम के साथ, जिनका क्रिएटिनिन लेवल 13 तारीख को ब्लड यूरिया 216 और क्रिएटिनिन लेवल 0.67 था, यूरिक एसिड 10.6 था। हमने इनका 7 दिन का इलाज किया, जिसके तहत आज की जो रिपोर्टें हैं वो 103 ब्लड यूरिया है और क्रिएटिनिन 0.67 है और यूरिक एसिड में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी जो थी वो कम करी है हमने और बच्चा बिल्कुल स्टेबल कंडीशन में है। आइए जानते हैं उनके ताऊ जी से कि कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा हमारे साथ इन 7 दिन के अंदर। जी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मतलब और बहुत अच्छी सुविधा है और जो है हमने बहुत जगह दिखाया, बच्चे को कोई मतलब आराम नहीं था और एम्स हॉस्पिटल में भी गए, जबकि वहाँ पर उन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट के लिए कह दिया था, लेकिन हमने नहीं, उसके बावजूद हमने फिर हरिद्वार ऐसे फिर हमें यहाँ पता लगा कि चंडीगढ़ वालों का एक नया यहाँ हॉस्पिटल खुला है, जिसमें कि हमने बच्चे का ट्रीटमेंट कराया और हमें बहुत ही फायदा है। पहले आपके बच्चे की कितनी डायलिसिस हुई थी? हमारे बच्चे की जो डायलिसिस दो हुई थी शुरू में, उसके बाद में कोई डायलिसिस नहीं हुई, लेकिन बच्चे की कंडीशन थोड़ी सीरियस थी। सोना भूखना लगना, मतलब हर वक्त पड़ी रहना, मतलब गुमसुम रहती थी, अब लेकिन बहुत ही अच्छी कंडीशन है। जब ये यहाँ आई थी तो इन्हें बहुत ज्यादा खांसी थी, बहुत ज्यादा खांसी। अब कितना आराम है खांसी में? अब खांसी में बहुत आराम है। परी आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे बताओ? अच्छा लगा? सारी थेरेपीज में मजा आया? और क्या चेंज लगा आपको पुराने हॉस्पिटल से यहाँ, क्या अच्छा लगा बताओ? सब अच्छा लगा। पुराने हॉस्पिटल में डर लगता था जाने से, यहाँ अच्छा लगा? हिम्स हॉस्पिटल की शाखाएं पूरे भारत में फैली हैं, चंडीगढ़ में डेरा बस्सी, लखनऊ, गुरुग्राम, दिल्ली एनसीआर, मेरठ, नवी मुंबई, श्री अमृतसर, जयपुर, जोधपुर, चंडीगढ़, लुधियाना, संगरूर, गोवा, मुंबई, ठाणे व भागलपुर में भी सुविधा उपलब्ध है।